भावार्थ जिस विद्या और विनय से युक्त राजा को सब प्रकार प्रशंसा प्राप्त होवे वही प्रजा को नियम युक्त कर सके। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो राजा स्त्री की कामना करते हुए पति के सदृश प्रजा की वाणियों को सुन के न्याय करता और ऐश्वर्य को धारण करता है वह राज्य में पूज्य होता है। भावार्थ जो धनाढ्य जनों को प्राप्त होकर असंख्य पदार्थों की याचना करते हैं वे थोड़ा पाते हैं और जो याचना नहीं करते वे बहुत पाते हैं। भावार्थ हे धनाढ्य, आपके समीप से हम लोग गौ आदि पदार्थों को प्राप्त होकर औरों के लिए देते हैं और हम लोगों का धन आपको प्राप्त हो। भावार्थ जो मनुष्य बहुत देने वाला होता है उसके मित्र बहुत होते हैं। भावार्थ जो बहुत देने वाला है वही प्रशंसा को प्राप्त होता है और जो थोड़ा देने वाला वह नहीं इस प्रकार प्रशंसित होता है। भावार्थ जो इस संसार में बहुत देने वाला होता है वही संपूर्ण दिशाओं में कीर्तियुक्त होता है। भावार्थ हे जिज्ञासु, ज्ञान को चाहने वाले तू अध्यापक और उपदेशक को पाकर पुरुषार्थ से विद्या और उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर, आलस्य मत कर। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान अधिक वा न्यून विज्ञान में वा काम में सुशोभित हों वे जगत के बीच कल्याण करने वाले हों। भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक शीतोष्ण देश निवासी मुझको पढ़ा और उपदेश दे सकते हैं वे सदैव मुझसे सत्कार करने योग्य होते हैं। इस सुक्त में इंद्र, राजा, प्रजा, अध्यापक और उपदेशक के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह ऋग्वेद संहिता के तीसरे अष्टक में छठा अध्याय, तीसवां वर्ग और चतुर्थ मंडल में 32वां सूक्त और तीसरा अनुवाद पूरा हुआ। अथ तृतीयाष्टके सप्तमोऽध्यायारम्भः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। अब 11 ऋचा वाले 33वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पुरुष जैसे त्रसरेणु वायु से क्रिया को निरंतर करते हैं वैसे ही विद्वानों से विद्या को प्राप्त होकर पुरुषार्थ सदा करते हैं। वे सर्व विद्याओं से युक्त सुंदर वाणी को प्राप्त होते हैं। अब माता पिता आदि के शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य बाल्यावस्था में 5वें वर्ष से माता की शिक्षा और 8वें वर्ष से पिता की शिक्षा को और 48 वर्ष पर्यंत आचार्य की शिक्षा को ग्रहण करते हैं वे ही विद्वान, बुद्धिमान, धार्मिक, बहुत काल पर्यंत जीवने और संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। फिर माता पिता से शिक्षा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो पितृजन अपने संतानों को अतिकाल पर्यंत ब्रह्मचर्य से उत्तम स्वभाव और विद्या युक्त करते हैं वे उन संतानों की सेवा से फिर भी वृद्ध हुए युवावस्था वालों के सदृश होते हैं। भावार्थ जो विद्वान पितृजन अपने संतानों को ब्रह्मचर्य और विद्या से विद्या बल और उत्तम गुण और कर्मों के आचरण युक्त करते हैं वे अत्यंत सुख को प्राप्त होते हैं। अब मनुष्य गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ बंधुजन विद्वान होकर परस्पर वार्तालाप करें कि जैसे बड़ा आज्ञा करे वैसे छोटा और जैसे छोटा कहे वैसे ही ज्येष्ठ आचरण करे। जैसे इस मंत्र में कनियान यह कर्तृपद एक वचनांत और किण्वाम यह बहुवचनांत क्रिया नहीं संगत होते हैं ऐसा जानना चाहिए। अर्थात अहंकर्ता की योग्यता में वयम कर्ता के पक्ष से योजना कर समझना चाहिए। अथवा जैसे हम लोग परस्पर वार्तालाप करें वैसे ही आप लोगों को भी परस्पर वार्तालाप करना चाहिए और जिस प्रकार सत्य और प्रशंसित वचन होवे उसी प्रकार सबको बोलना चाहिए।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि इस संसार में यथार्थ वक्ताओं का अनुकरण करके जैसे क्रम से वर्ताव कर दिन वर्षा ऋतु को प्राप्त होते हैं, वैसे ही क्रम से कर्म उपासना और ज्ञान सत्य भाषण आदि को बढ़ा के धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध कराते हैं, यह जाने। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान जन जैसे सोते हुओं को चिता के जगाते हैं, वैसे ही अविद्वानों को उत्तम शिक्षा दे विद्वान करके आनंद देवें। फिर मनुष्य गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य पहले विद्या को और फिर हस्तक्रिया को ग्रहण करके उत्तम आचरण वाले होते हुए आत्म संबंधी और बाहर से विशेष ज्ञान को उत्तम प्रकार जांच के शिल्प विद्या संबंधी कार्यों को करते हैं, वे बुद्धिमान होते हुए ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य इस संसार में सृष्टिस्थ पदार्थों की उत्तम परीक्षा से संयोग और विभाग के द्वारा श्रेष्ठ पदार्थ और कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे विद्वानों में श्रेष्ठ और अत्यंत धनी होते हैं। फिर विद्व विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, आप लोग सृष्टि के क्रम से पदार्थ विद्याओं को प्राप्त होकर अन्य जनों को बोध करा के अपने सदृश करके धनाढ्य करो। भावार्थ जो जन वर्तमान समय में यथार्थ पुरुषार्थ को करते हैं, वे धनपति होते हैं, और जो विद्वानों के संग को नहीं करते हैं, वे धन से रहित हुए दारिद्र्य को भजते हैं। इस सूक्त में विद्वान माता पिता और मनुष्यों के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 33वां सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 34वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में मेधावी बुद्धिमान के गुणों को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जैसे आप लोगों को आनंद प्राप्त होवे वैसे ही कर्म और बुद्धि की वृद्धि को करो और व्यापक ईश्वर की उपासना भी करो। भावार्थ जो दूसरे विद्या रूप जन्म के होने पर प्राप्त विद्या रूप यौवनावस्था युक्त होते हैं, वे विद्वान होकर विद्वानों से मित्रता करते हैं और अविद्वानों के कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। भावार्थ हे बुद्धिमान विद्यार्थी जनों, जो आप लोगों के लिए विद्या देवे उनकी कपट रहित प्रीति से सेवा करो और जितेंद्रिय होकर यथार्थ विद्या को प्राप्त होवो। भावार्थ हे मनुष्यों, जिन लोगों के समीप से विद्या आप लोग ग्रहण करें उनके लिए रत्न दो, जिससे दोनों जगह विद्या और ऐश्वर्य बढ़े। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि ऐसी इच्छा नित्य करें कि हम लोगों को यथार्थ वक्ता विद्वान लोग प्राप्त होवें और दिन रात्रि ऐश्वर्य की प्राप्ति होवे। जैसे नवीन विवाह आश्रम का सेवन करते हैं, वैसे ही स्त्री और पुरुष गृह के कृत्यों का सेवन करें। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर मित्रता कर शरीर और आत्मा का बल बढ़ा विद्या धन रूप ऐश्वर्य को प्राप्त हों, उसकी उत्तम प्रकार रक्षा कर और बढ़ा के इससे सबको सुखी करें। भावार्थ हे मनुष्यों, आप लोग श्रेष्ठ पुरुषों के मेल से ऐश्वर्य की उन्नति करो और जो विनाश के पहले और ऋतुओं में रक्षा करते हैं और जो अपनी स्त्री पतिव्रता होती है उन मनुष्यों और उस स्त्री के साथ तुल्य प्रीति सुख दुख और लाभ का सेवन करते हुए सबके प्रिय हो। भावार्थ जो मनुष्य पूर्ण विद्वानों के साथ मेल करके पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं, वे विमान आदि को रच के मेघमंडल व उससे ऊपर समुद्र और नदियों में सुख से विहार करने के योग्य होते हैं। भावार्थ